मोदी ने मोदी को हराने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मोदी लहर की किस तरह से काट की जाए, दोनों की जोड़ी ने इसका विकल्प भी ढूंढ लिया है। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह से अखिलेश और मायावती की जोड़ी लोकसभा चुनाव में मोदी का खेल बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती ने मोदी को हराने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मोदी लहर की किस तरह से काट की जाए, दोनों की इस जोड़ी ने इसका विकल्प निकाल लिया है। आइए आपको भी बताते हैं कि किस तरह से अखिलेश मायावती की जोड़ी लोकसभा चुनाव में मोदी का खेल बिगाड़ सकती है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता वाया यूपी जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए यूपी फतह करना एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। इसमें रोड़ा अटकाने का काम करेगी अखिलेश और मायावती की जोड़ी। भुआ भतीजे की ये जोड़ी बीजेपी की राह का रोड़ा बन सकती है, जिसके संकेत दोनों ने बहुत पहले ही देने शुरू कर दिए थे। इस जोड़ी का फॉर्मूला यूपी में हुए उपचुनाव में निकला, जहां लोकसभा चुनाव में डंके बजाने वाली बीजेपी को चारों खाने चित होना पड़ा। योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र गोरखपुर भी बीजेपी के हाथ से चला गया। इसके अलावा फूलपुर में भी बीजेपी को एसपी से हार झेलनी पड़ी थी। अगर बात 2014 के लोकसभा चुनावों की करें, तो मोदी लहर के बावजूद भी सपा और बसपा मजबूत स्थिति में थी। और अगर 2014 जैसी लहर मान ले, तो ये गठबंधन मोदी सरकार की हालत खराब कर सकता है, क्योंकि तब मोदी लहर के बावजूद इस जोड़ी को 41.80% वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी 42.30% वोटों पर ही सिमट कर रह गई थी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक अतीत और जातीय समीकरण बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं दे रही। ऊपर से अखिलेश मायावती की ये जोड़ी उसके लिए किसी खतरे से कमतर नहीं होगी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और मोदी को खतरे के इन अलार्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।